आज की क्लास का जो टॉपिक है हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस और एक्सरसाइज है हमारे पास 9.2। अच्छा, इसका जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। इसका दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल के अंदर होता क्या है हमारे पास कि हम x को ले जाते हैं dx के पास और y को ले जाते हैं हम dy के पास। सही, हम इस पर ही काम कर रहे होते हैं, x को ले जाते हैं dx के पास और y को ले जाते हैं dy के पास। ठीक है, जब आप ये ले जाते हैं तो फिर आप इसको करते हैं इंटीग्रेट। फिर आप क्या करते हैं, इसको करते हैं इंटीग्रेट। ओके, मैं ये आप सब चीज़ आपको करवाता हूँ अभी, और करवाने के बाद जो है इंटीग्रेट करवाने के बाद आपका रिजल्ट आता है प्लस सी के साथ। ओके, तो हमारे पास पहला सवाल जो है, लेट से हमारे पास सवाल है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। यह पहला सवाल है, तो बताइए इसका पहला स्टेप क्या होगा। ठीक है, इसका पहला स्टेप ये होगा कि आप जो है वो लिखेंगे वाई को आप ले जाएंगे डी वाई के पास और आप एक्स को ले जाएंगे डी एक्स के पास। सही है, ये आपका पहला स्टेप होगा। तो आप ले गए y को ले गए डी वाई के पास और उसके बाद आप ले गए, ठीक है, फिर आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया आपके पास टर्मिनोलॉजी जो आई, वो फार्मूला जो आपके पास आया, फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला है x टू द पावर n। सही है, और ये वैसा ही फार्मूला है जैसे डेरिवेटिव का है। इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि x का डेरिवेटिव फिर dx बराबर में लिखा हुआ हो, तो हम करते क्या है, x की पावर में n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस ऑफ c कर देते हैं। सही है, अगर ये लिखा x और लिखा dx तो 1 प्लस वन, अगर y और dy 1 प्लस वन, अगर लिखा है वाई स्क्वायर डी वाई तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y की पावर 2 प्लस वन। सही, मैं आपको कर देता हूँ यहाँ पे। अगर लेट से हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लिखा हुआ है थीटा और डी थीटा इंटीग्रल, यहाँ पे लिखा हुआ है 4। इसका जवाब क्या होगा, थीटा 4 प्लस वन अपॉन 4 प्लस वन प्लस ऑफ सी, समझाने के लिए आपको। ओके, आप बताइए इसका जवाब क्या होगा, वाई के बराबर डी वाई लिखा हुआ 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, यानी कि वाई के ऊपर लिखा 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के ऊपर लिखा आपने, यहाँ 2 है, 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, यहाँ पे लिखा आपने 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस ऑफ सी, ये आपका आंसर है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो लिख देंगे वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस ऑफ सी, ये इसका आंसर है। सही, एक हमारे पास ये सवाल है, सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान है, कोई क्वेश्चंस नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको ज़रा तवज्जो से इसको करें। सही, और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने के बाद इसको करवाते हैं करना क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2। हम इसमें लिखते हैं आपके पास लिखते हैं ओके, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह में इसमें से देख लूं और उसको बता सकूंगा फिर मैं ये क्या है क्या नहीं है। तो हमारे पास अच्छा, ये कुछ पुराने जो हैं वो पैटर्न हैं जिसको बताना चाह रहा था। अच्छा, आपके पास 4y-3x / 2x-1। सही है, तो ये होता है x³c e⁻³x। चले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सही है, तो अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिखता हूँ यहाँ पर। लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस सी बाहर ई टू दावर थ्री एक्स। सही, यह वह सवाल है। अब इसकी हमें बनानी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसकी बनानी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन। ये असल में सवाल जो है इक्वेशन 9.1 का है जिसको हमें बताना है। इसमें हम करेंगे क्या कि आप देखेंगे आपके पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने हैं, आपसे देखेंगे आपके पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितना है। तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आपके पास आया, लेट से एक ही कॉन्स्टेंट है, दैट इज दिस, एक ही कॉन्स्टेंट है हमारे पास।
तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, इसको यू इन टू वी लगा देंगे। तो आप या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, चले यू इन टू वी ना भी लगाएं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने लिखा यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ पर लिखा ई टू द पावर थ्री एक्स, यहाँ पर लिखा प्लस सी, यहाँ पर लिखा ई टू द पावर थ्री एक्स। अभी दो टर्मिनोलॉजीज हैं आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए तैयार हैं, एक को यू कह दिया एक को वी कह दिया हमने। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यू बराबर लिखेंगे एक्स क्यूब, फिर आप लिखेंगे वी बराबर है ई टू द पावर थ्री एक्स, ये हो गया डी यू अपॉन डी एक्स बराबर है थ्री एक्स स्क्वायर, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर है ई की पावर थ्री एक्स इंटू थ्री। सही है, तो आपके पास क्या होता है, इसका डेरिवेटिव बराबर में आ जाता है, ये हमारा जवाब आ गया। अब आपका यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, आपको ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस सेमेस्टर में आपने देखा होगा, यू इंटू वी का जो फॉर्मूला है वो ये है यू डैश इंटू वी प्लस यू इंटू वी डैश, यानी आप लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर जो कि यू डैश हो गया इंटू वी ई टू द पावर थ्री एक्स प्लस यू एक्स क्यू और इंटू वी यानी कि थ्री ई की पावर थ्री एक्स। ओके, तो हमारे पास ये जवाब आया। तो आपने क्या किया, आपके पास ये जवाब आया, वो इक्वेशन में आया क्या, आपने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये लिख दिया आपने थ्री एक्स स्क्वायर ई की पावर थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब इंटू ई की पावर थ्री एक्स। इस थ्री को हम पहले लिया और हमने कुछ भी नहीं किया, और आखिर में इसका जवाब जो होगा वो ये होगा प्लस सी ई की पावर थ्री एक्स इंटू थ्री, ये हमारा जवाब आ गया। ये एक्सरसाइज 9.1 का सवाल था जो कि आपको ये बता दिया गया है कि आपने करना कैसे, आसान सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फेस एनी डिफिकल्टी टू लेट मी नो, ये हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, आपके पास एक और सवाल है जिसको मैं कराना चाह रहा हूँ, और क्वेश्चन क्या है वो, अच्छा जो एक और सवाल करवाना चाह रहा हूँ वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, और आपके पास जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। बड़ा ये सवाल है, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, कि रांची में स्ट्रीम बहुत कुछ जाता है, हर जगह बहुत कुछ जाता है, इसको ही कहा कहते हैं कि आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दें, आपसे कहा जाता है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दें। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहली बात ही आर्बिट्री कांस्टेंट ये एक है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट दो हैं, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो दफ़ा डिफरेंशियल होगा। आपने सबसे पहले लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, डेरिवेटिव क्या होगा उसका, एक कॉस का डेरिवेटिव होगा साइन एक्स, एक कॉस का डेरिवेटिव होगा, देखिए मैं फॉर्मल लिख देता हूँ, सही, साइन बॉक्स का डेरिवेटिव है कॉस ऑफ बॉक्स इंटू बॉक्स ऑफ डैश। अच्छा, इसके बाद कॉस ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास माइनस के साइन ऑफ बॉक्स इंटू बॉक्स ऑफ डैश, ये हमारे पास है डैश के माने डेरिवेटिव है इसका, तो कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस के साइन ऑफ एक्स और प्लस साइन का डेरिवेटिव होगा प्लस के कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पर जवाब आ गया। अब सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों करेंगे कि यहाँ पर दो डेरिवेटिव हैं, पहले दफा का तो जवाब आ गया, ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट हो गया। अब सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया हमने, लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनस के ए साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया प्लस के कॉस ऑफ एक्स, और प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस के साइन ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। हमने क्या किया, इसको कॉमन निकाल लिया और लिखा ए कॉस ऑफ एक्स प्लस के बी साइन ऑफ एक्स। सही है, अब बताइए ये क्या बना, ये सवाल बन गया, सवाल में क्या ये वाई बन गया, यानी आपके पास जो जवाब आया वो आया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वाई। सही है, या इन शॉर्ट अगर मैं जवाब लिखूँ, मैं लिखूँगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा जवाब आ गया, इसका रिजल्ट हमने फाइनलाइज कर दिया। सही, ये हमारे पास चीज़ें होंगी। ओके, अब आपके पास एक और सवाल है, वो थोड़ा थोड़ा सवाल और आसान है, ये देखिए ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, एक्सरसाइज के 9.2 के क्वेश्चंस नहीं हैं, मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूँ। 9.2 के क्वेश्चंस जो आपको अभी करवाता हूँ ये होते क्या हैं, हाँ
अच्छा अब लिखा मैंने वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल के अंदर लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा मैंने एक्स प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। देखिए इसके मतलब क्या होगा, वाई के पास ये चला जाएगा, ये हो गया वाई स्क्वायर डॉट डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डॉट डी एक्स। इसको आपने इंटीग्रेट करना है, सही। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसके मतलब एक्स एन का फॉर्मूला क्या, एक्स एन डॉट डी एक्स इसका फॉर्मूला है हमारे पास, यानी एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ऑफ सी, यानी होगा क्या वाई की पावर हो गई टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन इज इक्वल टू, अब ये एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव पूरा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स इंटू डी एक्स आपने बैठक बना दिया प्लस वन डॉट डी एक्स, वन जो है हमेशा बाहर आएगा। तो आप इसके पास जवाब आया x की पावर 2 अपॉन 2 1 प्लस 1 2 प्लस इंटीग्रल डेरिवेटिव कट जाएगा, ये होगा प्लस x और प्लस ऑफ c। ये c लगाना आपको लाजमी है, ये मैंडेटरी है, इंटीग्रेशन आप जब भी करते हैं आपको लगाना ज़रूरी होता है, सही। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चंस हैं जिससे आपको करना है एक सवाल, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं क्वेश्चन, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप फोकस हो और चीज़ों को चलाएं तो काम करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, सही है। ये तमाम चीज़ें हैं तो मैं ये देखना चाह रहा था कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, किस तरह की चीज़ों को समझते हैं, मैं ये देखना चाह रहा था आपको। अच्छा ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था। अच्छा कुछ चीज़ें ये हैं कि आपने क्या करना है, फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं बताता हूँ, इंटीग्रेशन बताता हूँ, इंटीग्रेशन में आपने करना क्या होगा, ये आपको लर्निंग के लिए है, आप एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है। इसमें सबसे पहले एक्स एन का फॉर्मूला है, एक्स एन डॉट डी एक्स, जब आप में देखें एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बराबर में लिखा हुआ है तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ऑफ सी जवाब इसका आएगा, सही। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके हिसाब से आपको काम करेंगे। अगर लेट से सवाल लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और लिखा हुआ है यहाँ पर रूट एक्स और यहाँ लिखा हुआ है वाई प्लस वन, तो आप बताइए कि सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे वाई प्लस वन को वहाँ ले जाएंगे डी वाई के पास और आप उसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से, एक्स की पावर हाफ डॉट डी एक्स को आप यहाँ ले जाएंगे, आपने करना है जवाब वाई प्लस वन की पावर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर वन अपॉन टू प्लस वन वन अपॉन टू प्लस वन प्लस ऑफ सी, इसका जवाब आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी हद तक काम करवा दिया है, आई होप यू विल इन्जॉय इट, और आप जो है सवाल को पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके अल्लाह हाफिज़।